उज्जैन जिले में चल रहे जल शक्ति अभियान की समीक्षा की गई। जल शक्ति अधिनियम के भारत सरकार में निदेशक एवं नोडल अधिकारी अशोक कुमार ने बृहस्पति भवन में जिले में अभियान के अंतर्गत किए गए कार्यों की समीक्षा की। बैठक में जल शक्ति अभियान के तहत निकाय द्वारा प्रस्तावित कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। इसके अंतर्गत नगर में स्थित बावड़ियों की मरम्मत, सप्त सागरों पर विकास एवं संधारण का कार्य, जल संग्रहण क्षेत्रों का संरक्षण एवं नए हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण के बारे में चर्चा की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अंकिता ठाकरे, शहरी क्षेत्र के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा व ग्रामीण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री एवं स्मार्ट सिटी के अधिकारी मौजूद थे।